संभल में गंगा में बाढ़ विकराल रूप धारण कर चुकी है। बबराला घाट पर गंगा खतरे के निशान पर बह रही है। बाढ़ के साथ गंगा ने कटान भी शुरू कर दिया है। संभल में बाढ़ से हर साल 2 दर्जन गांव प्रभावित होते हैं। नरोरा बैराज डाउन पर पानी छोड़ने से दिपाई, रामघाट, अनूप शहर व आहार के कई गांव खतरे की चपेट में आने की संभावना है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। अनूप शहर एसडीएम सुरेश चंद सोनी व तहसीलदार सीबो तार ने बताया कि तहसीलदार प्रशासन ने अनूप शहर व आहार गंगा पर जलस्तर बढ़ने से होने वाले खतरे से बचने के सभी बचाव कार्य तेज कर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद शाजापुर में पुलिस को आज बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें शाजापुर पुलिस ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। शाजापुर में पुलिस टीम द्वारा फर्जी लाइसेंस बनवाने वाले का गिरोह पकड़ा गया है। इसमें फिलहाल 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुआ है और 4 असलाह मिले हुए हैं और 5 फर्जी लाइसेंस मिले हुए हैं। इन्होंने कुछ लोगों के साथ साठगांठ करके फर्जी रिकॉर्ड्स तैयार करके अपना असला खरीद लिए थे और इस संबंध में जो मुखबिर के द्वारा सूचना मिलने पर उनको हमारे जो टीम इसमें लगातार काम कर रहे थे तो इसमें फिलहाल 4 असला जो है इसमें डीबीबीएल है, राइफल है और जो उनके कारतूस है और असला जो लाइसेंस जो कागजात है वो मिले हुए हैं। इनको समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। इसमें अभी तक जो विवेचना में 5 और लोगों का नाम आया है जो उनके पास भी असला इश्यू हुआ है। उनके असला तो बरामद हुआ है, कुछ लोग फरार चल रहे हैं। उनका गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दिया गया है और इसमें कुछ अन्य लोगों का जैसे बाबू लोगों का भी कुछ नाम आ रहा है, उनका भी हम लोगों ने इसमें विवेचना कर रहे हैं, गहराई से छानबीन कर रहे हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी इसमें संलिप्त है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। हरपालपुर कस्बे के चर्चित विकास मिश्रा हत्याकांड को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर गठित 7 सदस्यीय समिति ने घटनास्थल पहुंचकर मृतक के परिजनों से पूछताछ की तथा व्यापारियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने लोगों को पूरा आश्वासन दिया कि घटना में सम्मिलित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संज्ञान में लाया जाएगा। इस दौरान पूर्व सांसद उषा वर्मा और विधायक राजेश्वरी वर्मा, वीरेंद्र सिंह वीरे, जिला पंचायत सदस्य विमल प्रकाश मिश्र, पूर्व जिला अध्यक्ष पदम राम सिंह पम्मू समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।